वेलकम बैक स्टूडेंट। अपने चल रहे थे लास्ट लेक्चर में, अपन बात कर रहे थे एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर जो आपके स्टेचुरी अपडेट आए हैं उनकी बात की थी। अब हम उससे आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इस चैप्टर में जो आपके स्टेचुरी अपडेट आए हैं उनको हम किस तरह से कंसिडर करेंगे। और मैंने कहा कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का चैप्टर में इनका काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एक कैटेगरी में इनका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही क्या है आईटीसी। और जो आपका फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 5-8 मार्क्स का आता है, मैंने कहा वो आईटीसी के चैप्टर से ही आता है। तो हमें आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टेचुरी अपडेट किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के चैप्टर में जो स्टेचुरी अपडेट आए हैं उनको यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि छोटे छोटे से अपडेट हैं, काफी कुछ अपन ने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं तो उनको आज हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये अच्छा अपडेट है आपको, मैंने कहा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आईटीसी का चैप्टर तो पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन ही आपका किससे रहेगा, आईटीसी के चैप्टर से। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आईटीसी का चैप्टर। इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पहले क्या होता था कि आप GSTR 1 अपलोड करते थे तो GSTR 2 या 2A बनती थी, उसके हिसाब से मैं ITC मिला करता था। अभी मैंने कहा कि अब नया सिस्टम आ गया है, अब आपके GSTR 2B से ITC मिलेगी। और 2B से भी कितना मिलेगा, जितना आपके यहां पर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है वो अमाउंट का ही हमें ITC अवेलेबल होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्लास में भी कराया था कि GSTR 2B में आ रहा है उसका 100% ही ITC बुक कर सकते हैं, उससे ज्यादा ITC हम नहीं बुक कर पाएंगे। तो आज अपन इसी की बात करने जा रहे हैं। ITC कैन बी अवेल बाय द रिसिपिएंट ओनली इफ सप्लायर हैव अपलोडेड द रिलेवेंट इनवॉइस या डेबिट नोट इन देयर GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF एंड सच डिटेल हैव बीन कम्युनिकेटेड, किसमें होगी रिसिपिएंट के लिए ये आपके कम्युनिकेट होगा इन फॉर्म GSTR 2B जो कि रीड ऑनली होता है। सेकंड, इन द डिटेल ऑफ आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। यानी आपको उसके साथ साथ यहां पर GSTR 2B के अंदर जितने कम्युनिकेटेड होगी आईटीसी उतना 100% आप आईटीसी बुक कर लेंगे, लेकिन आईटीसी उतनी बुक होगी जो आपके एलिजिबल आईटीसी है। तो जब आप GSTR 3B यानी सेक्शन 39 के अंदर GSTR 3B फाइल कर रहे हो तो एलिजिबल आईटीसी तक उसको फाइंड आउट करते हुए लेने के लिए बताता है। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा, एक तो सप्लायर होता है, सप्लायर आपके क्या करेगा यहां पर GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिन्होंने QRMP स्कीम में रखे, वो आपके इनवॉइस फर्निश करते हैं तो ये आपके फाइल करेंगे जिन्होंने QRMP स्कीम में रखे, जिनका प्रोसीडिंग फाइनेंस का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उन्होंने ये QRMP स्कीम में रखे, उनके लिए बताता है। साथ ही साथ अपन बात कर रहे हैं यहां पर ये अपने इनवॉइस यहां से अपलोड करेगा तो आपके, मैंने कहा एक तो GSTR 1 बनती, GST रिसिपिएंट की बात करते हैं अपन, के लिए अपन बात करते हैं, एक तो बनेगी GSTR 2A जो कि ऑटो पॉपुलेटेड है, अपडेट होती रहेगी जैसे जैसे GSTR 1 या इनवॉइसिंग फर्निशिंग होते जाएंगे। और एक आपकी बनती थी पर्टिकुलर डेट को GSTR 2B जो कि रीड ऑनली होती है, और ये 13th डे तक आपके अपलोड कर रहा है जैसे अपन बात करते हैं ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो ये कब बन रही थी 14 तारीख को बन रही थी। तो अब जो आईटीसी बुक करनी है वो इसके बिहा पर नहीं होगी, आईटीसी जो बुक करनी है आपके इसके बिहा पर आपको बुक करने के लिए बताता है। तो यानी आईटीसी जो बुक की जाएगी वो मेरे किसके थ्रू बुक की जाएगी, GSTR 2B के साथ
आपको आईटीसी बुक करने की बात बताता है। तो जीएसटीआर 2 में जो भी आ रहा है उसके हिसाब से आईटीसी बुक करने के लिए बताता है। तो अब आपको आईटीसी बुक करने के लिए कौन सी लेनी है, जीएसटीआर 2B ना कि ये। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट होता था, मैंने क्लास में भी आपको बता रखा है। और फिर इस केस में आपके जितना भी एलिजिबल आईटीसी आ रहा है वो आप अपने ले सकते हो, क्योंकि होता है इसमें तो आपके सप्लायर ने आपके पर्सनल नेचर के भी आईटीसी आ रही हो, तो आप अपने क्या करो रिटर्न फाइल करते वक्त जीएसटीआर 3 भी उसमें से एलिजिबल आईटी को सेलेक्ट करके उसी का ही आईटीसी क्लेम करो, क्योंकि क्रेडिट नेचर में तो सारी चीज आती है, वो चीज आपके बताता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपके फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकेंड आते हैं टाइम लिमिट। एक ये भी स्ट्रक्चरल अपडेट अच्छा किया दिया गया है कि टाइम लिमिट आपके यहां पर एक्सटेंड कर दिया, जो मैंने आपको बताया था सितंबर मंथ की रिटर्न की डेट होती थी 20th of अक्टूबर जो डेट होती थी, तो मैंने कहा उसमें काफी डिस्प्यूट होता था, तो अब यहां पर उन्होंने सीधा सिंपल कर दिया कि आप 30th of नवंबर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न विच एवर अर्लियर तक ही आप आईटीसी बुक कर सकते हो। और ये आपके मैंने कहा 3-4 जगह अमेंडमेंट हो गए अपने आप ही 30th of नवंबर करने से, यहां हो गए आपको पता है कि अमेंडमेंट कब तक फाइल कर सकते हैं वो भी 30th of नवंबर हो गया, यानी जीएसटीआर जहां पर सितंबर मंथ की थी नेक्स्ट फाइनेंशियल की वो 30th of नवंबर में आ गया। जस्ट समझाता हूं मैं आपको, ये अच्छा अमेंडमेंट है टाइम लिमिट अवेलिंग द आईटीसी ए रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट पार्टिंग ए फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड अप टू 30th of नवंबर इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर 30 नवंबर तक ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, ये इस केस में बताता है। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2022 सेक्शन 16(4) हैज बीन अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2022 अमेंडेड इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 रीड एज फॉलो ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट एंटाइल्ड टू टेक आईटीसी रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ आफ्टर 30th डे ऑफ द नवंबर ऑफ फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द which invoice or debit note pertaining to the furnished of the relevant annual return whichever is earlier. देखो मैं आपको सीधा सिंपल बताता था, पहले वहां लिखा रहा था कि आपके सितंबर मंथ की रिटर्न जो नेक्स्ट फाइनेंशियल की होती थी, अब वो डेट उन्होंने बढ़ा के क्या कर दी कि आप आईटीसी इनवॉइस और डेबिट नोट का आईटीसी कब तक ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, आईटीसी ऑन इनवॉइस या फिर डेबिट नोट का कब तक ले सकते हैं अपन, तो इसके लिए ये बताता है थर्टीथ ऑफ नवंबर ऑफ थर्टीथ नवंबर फॉलोइंग the end of financial year जिसका वो invoice है such invoice or debit note रिलेटेड, और साथ साथ आपको इसके लिए करना है डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, यानी डियर जीएसटीआर 9 विच आर इज ये हमारे इस केस में बताता है डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 9 तो ये आपके इसमें बताता है। तो ये अब स्ट्रक्चर ऑफ डेटा क्या है, 30 नवंबर जैसे अपन बात करते 30th of नवंबर
और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो भी दोनों में से पहले हो जाए वहां तक आप इस केस में आईटीसी बुक करने के लिए बता सकते हो, वहां तक अपन आईटीसी बुक कर सकते हैं। और तो एग्जांपल जैसे मैं बताता हूं, एग्जांपल अपन लिखते हैं, मुझे फाइनेंशियल ईयर 22-23 का डेबिट नोट इशू करना है, कैन बी या आईटीसी टेकन ऑन आईटीसी टेकन ऑन डेबिट नोट। तो ये बताता है 30th of November 2023, नेक्स्ट फाइनेंशियल की बात हो रही है ना, फॉलोइंग फाइनेंशियल, तो ये हो जाएगा 30th of November 2023। और मान लो मैंने यहां जीएसटी आर 9 लगाई, एनुअल रिटर्न वो मैंने लगा दी अपने 15th ऑफ अगस्त को, तो डेट क्या जाएगी, बिचा बीच चल लिया, तो स्टूडेंट मैंने बताया थे विच आई चाहिए 15 अगस्त आ गई इसमें, लेकिन मैंने यहां पर मान लीजिएगा, ये तो एग्जांपल वन हो गया, एक और बना लेते हैं एग्जांपल नंबर टू, सिमिलर है 30th of November ऑफ 2023 और आ जाएगा जीएसटी आर 9 फाइल किया मैंने 15th of December 2023, तो कौन सी डेट आ जाएगी 30th of November विच आई वाज अर्लियर, ये इन्होंने स्टेचुरी अपडेट दे दिया है। इसमें आएगा 30th of November, इसके बाद ये डेबिट नोट अपन कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये अपन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये स्टेचुरी अपडेट, तो ये भी आपको दिया गया, इवन मैंने कहा ये आपके इसी के लिए नहीं है, आपके जो रेक्टिफिकेशन करते थे, अमेंडमेंट वगैरह करते थे, तो जीएसटी आर 1 वगैरह में वो भी सही होगा, रेक्टिफिकेशन होगा वो भी सही होगा, आईटीसी बुक करने की लास्ट डेट भी यही होगी, तो हर जगह जहां जहां वो डेट थी सितंबर वाली रिटर्न के लिए इन द सक्सेसिंग फाइनेंशियल में, वो सब 30th of November में फॉल कर दी, वो सारी सारी किस्म आगे 30th of November में फाइल कर दी गई है, फॉल कर दी गई है। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो अपन बात करते हैं आगे, यहां पर एक डेबिट नोट इशू करने का टाइमिंग क्या कहा, तो उन्होंने पहले तो क्या होता था इसमें डिस्प्यूट था, अब उनका क्लियरली फाइनेंशियल के एंड से करना है, कब से करना है, क्लियरली फाइनेंशियल के एंड से डेबिट नोट को इशू करने की बात को बताता है। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ डेबिट नोट टू डिटरमाइन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 16(4), तो इसमें अपन बात करते हैं, ए डेबिट नोट डेटेड ऑन 7th of July 2021 इज इश्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस डेट 16th मार्च 2021 का डेबिट नोट हुआ है 7th of July 2021, तो अब इसका ये कहता है कब तक इशू कर सकते हैं, एज द इनवॉइस पार्टनिंग टू किससे रिलेटेड है 2021 से, द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर अवेलिंग द आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड इनवॉइस इन द टर्म ऑफ सेक्शन 16(4) शैल बी 2021, हाउ एज द डेबिट नोट हैज बीन इश्यू इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 the relevant financial year for the availing the ITC in respect of said debit note shall be financial year 21-22 in term of the amendment the provision, ab aapke 21-22 se hi aap le sakte ho, yani aapke invoice to kisse related, dekho apan baat karte hain yahan par, apan baat karte hain invoice aapke related tha uska relevant 16th of march 2021 जो कि रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर हो गया उसका,
2021, दिस आर 11 फाइनेंशियल ईयर. लेकिन डेबिट नोट इश्यू हुआ 7th of July 2021. तो 11 फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया स्टूडेंट? 21 22 आपके हो गया इसका. अब हमारे आईटीसी लेने के लिए आपको कहां से देख रहे हैं? तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ डेबिट नोट टू डिटरमाइन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 16(4) के साथ आपको देखना है. तो 16(4) के साथ मैं देखूं तो कौन सा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा दिस वन. तो आपके लिए डेबिट नोट शैल बी फाइनेंशियल 21-22 इन टर्म ऑफ द अमेंडेड. तो 16(4) के साथ देखना है. सेक्शन 16(4) के साथ देखता हूं मैं. तो फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा आपका 21-22. तो ये इस केस में बताता है. तो सैड इनवॉइस इन टर्म ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 शैल बी फाइनेंशियल 20-21. However, as the debit note has been issued financially 21-22, the relevant financial year for availing the ITC in respect of the said debit note shall be financial year 21-22. In term of the amended provision, this one's. बताइए. तो ये अब आपके उन्होंने कहा कि relevant financial year से आपको उसे consider करने की बात बताता है. तो ये हमारे इन्होंने इसको dispute को clear कर दिया है. अब देखो अपन बात करते हैं अवेलमेंट ऑफ आईटीसी नॉट ब्लॉक इन केस ऑफ लीजिंग अदर देन लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट. तो इनके लिए उन्होंने कहा गया अवेलमेंट ऑफ आईटीसी नॉट ब्लॉक नहीं होगी इन केस ऑफ द लीजिंग. हम लीजिंग कर रहे हैं अदर देन लीजिंग ऑफ द मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए है. तो आईटीसी इस केस में आपके ब्लॉक नहीं होगी. जैसे अपन बात करते हैं ब्लॉक रेट सेक्शन 17(5)(b)(1) प्रोवाइड दैट आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ. जैसे फूड एंड ब्रेवरेज आउटडोर कैटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ सर्विसेज कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वेसल है एयरक्राफ्ट है रेफर्ड इन दिस क्लॉज दिस वन. Asset when the used for the purpose of specified therein, life insurance, health insurance. ये इसमें आपके बताता है. Provided the input tax credit in respect of such goods and service or both shall be available and inward supply of such goods, service both is used by the registered person. Used by registered person for making of outward taxable supply of the same category of goods or service or both. An element of the taxable composite और mix supply के रूप में है. तो आपको उसमें ITC मिल जाता है. Composite और mix supply के रूप में होता था तो ITC आपको मिल जाते थे. It is clarified that the leasing refer then refer to the leasing of motor vehicle, vessel or aircraft only, not for leasing of any other item. According to the availment of ITC is not bar, नहीं bar नहीं होगी in case of the leasing other than leasing of motor vehicle. वेसल और एयरक्राफ्ट है तो उस केस में आपको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगी. उनको बार नहीं किया उनको ब्लॉक नहीं किया तो आपका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगी. तो स्टूडेंट ये हमारे इस केस में बता रहा है. हो गया स्टूडेंट छोटे छोटे अमेंडमेंट है. प्रोविजो रेफर सेक्शन 17(5) अगेन ब्लॉक रेज में कह रहा है अप्लाई टू एंटायर सेक्शन 17(5)(b) अप्लाई टू एंटायर सेक्शन 17(5)(b) पे पूरे पे अप्लाई होने के लिए बताते हैं. सेक्शन 17(5)(b) प्रोवाइड दैट आईटीसी शैल नॉट बी अवेल इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. कौन कौन से 17(5)(b) में? फूड एंड ब्रेवरेज आउटडोर कैटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ सर्विस कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी लीजिंग रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वेसल एयरक्राफ्ट टू एंड क्लॉस ए
एक्सेप्ट व्हेन यूज फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड देयर इन. यदि स्पेसिफाइड पर्पज है तो मिल जाता था आपके याद होगा, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा. Provided that the input tax credit in respect of such goods and service or both shall be avail, mil jayegi. When the inward supply of such goods or service both used as a registered person making an outward supply, ये उनकी क्या कर रहा था? Outward supply कर रहा था. Supply the same category of goods and service or both. यानी same category के business में आपके लगा हुआ, same category goods or service या both में लगा हुआ है तो उसको ITC मिल जाएगा. As an element of taxable, composite and mixed supply, taxable, composite and mixed supply की बात इस केस में करता है. Membership of club, health, fitness centers उस पे भी रहेगा. Travel benefit extend to the employee on the vacation such as a leave, home travel concession (HTC) and HTC. उनके ऊपर भी सेम प्रोविजन ये आपके एप्लीकेबल होगा जो अपन बात कर रहे हैं. तो ये कह रहता है प्रोविजन आफ्टर सेक्शन 17(5) आने के बाद, 17(5B) सेक थर्ड आने के बाद अप्लाई पूरे प्रोविजन का एंटायर सेक्शन 17(5B) पे पूरे पे अप्लाई होने की बात कर रहा है. जो आपके प्रोविजन आया है वो पूरे पे एप्लीकेबल होने की बात को बता रहा है. क्लियर स्टूडेंट? तो ये पूरे इन सब कैटेगरी पे आपके अप्लाई हो जाएगा. अब आपको याद होगा मैंने आपको कराया था कि यदि आपने यदि कोई भी इनवर्ड सप्लाई ली है और उसका आपने पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं किया, तो 180 डेज के अंदर नहीं किया तो आपको ध्यान होगा कि जो अमाउंट आपने ITC ले रखी थी उसको रिवर्स करनी पड़ती थी और उस पर इंटरेस्ट भी पे करना होता था सेक्शन 50 के अंदर एट द रेट ऑफ 18%. और जैसे ही आप उसका पेमेंट कर देते थे तो उसका ITC आपको अवेलेबल हो जाता था. तो यही चीज इस केस में आपके यहां पर बता रहा है अमेंडमेंट के साथ. थोड़ा सा अमेंडमेंटेशन दिया गया कि इन केस ऑफ द नॉन पेमेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इनवार्ड सप्लाई विद इन 180 डेज. ये बोगस इनवॉइस को रोकने के लिए किया गया कि जिससे कि आप बोगस इनवॉइस ले रहे तो आपको पता रहेगा कि आपने पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट नहीं किया था, यानी वो बोगस इनवॉइस है. तो ये बोगस इनवॉइस को रोकने के लिए कंसेप्ट था, अभी भी है. विद इन द 180 डेज ITC शो अवेल नीड टू बी पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50. सेक्शन 50 के अंदर 18% की रेट है. वाइल फाइलिंग GSTR 3B, जब आप GSTR 3B फाइल करें तो उस टाइम इसका एडजस्टमेंट करते हुए आपको बताने के लिए बताता है. उस टाइम आपको उसको बताने के लिए बताता है. रूल 37 प्रोवाइड द रिवर्सल ऑफ ITC इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. जब आपने पेमेंट नहीं किया तो उसको रिवर्सल करने की बात को बता रहा है. सब रूल 1 and 2 हैज बीन सब्स्टिट्यूट एंड रूल सब रूल 3 हैज बीन ऑमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2022 से चेंज किया. Consequently, amendment position of law is as follow. अब amendment के बाद देखो क्या रहा. The registered person must pay to the supplier the value of goods and service along with the tax within the 180 days from the date of issue of the invoice. ये तो आपके बताता है कि जब invoice issue हुआ उससे 180 दिन के अंदर 180 days के अंदर आपको value of supply along with टैक्स आपको उसका पेमेंट कर देना चाहिए था यहां पर सप्लायर को. नहीं किया तो यानी आपने बोगस इनवॉइस ले रखा है तो आपको ITC रिवर्स करनी होगी. हाउएवर ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल द ITC एनी इनवार्ड सप्लाई फेल टू पे द सप्लायर देयर ऑन द अमाउंट टुवर्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद टैक्स पेबल देयर ऑन विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द सेकेंड प्रोविजन to section 16(2), to 180 days from the date of issue of the invoice shall pay an amount equal to ITC avail in respect of such supply along with interest payable thereon under section 50 while furnishing the return inform GSTR 3B के साथ उसको रिवर्स करना होगा. यानी जो GSTR 3B फाइल करेंगे तो उसके अंदर आपको रिवर्सल दिखाते हुए जो भी अमाउंट बन रहा है वो रिवर्स करना पड़ेगा फॉर द टैक्स पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द इनवॉइस. यानी जैसे आपके 180 डेज इश्यू
आपके एक्सपायर है, तो उस महीने की जो जीएसटी आर 3B होगी उसके अंदर वो रिवर्सल अमाउंट आपको करना होगा, यानी रिवर्स अमाउंट करना होगा। तो ये इस केस में आपके बताता है। नहीं, ये मैंने कहा कुछ एक्सेप्शन है उनके ऊपर, ये 180 डेज का क्राइटेरिया नहीं लगता। जैसे आप आरसीएम में खुद टैक्स पे कर रहे हो, यदि आप टैक्स ही क्या पे कर रहे हो आरसीएम, तो एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। दिस कंडीशन पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स विद इन 180 डेज डज नॉट अप्लाई, नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर द आरसीएम, आरसीएम में टैक्स पे करो, या शेड्यूल वन की है डिम्ड सप्लाई है, शेड्यूल वन की बात कर रहे हैं अपन, शेड्यूल वन में तो जब डिम्ड सप्लाई तो आप पैसा थोड़ी दोगे, गिफ्ट वगैरह है तो उसका पैसा थोड़ी देगा, एक भाई गिफ्ट दिया तो ले 180 दिनों का पेमेंट दे, वो चीजें। एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट, कोई एडिशन किया है आपने, एडिशन मेड किया है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ द सप्लायर लायबिलिटी, सप्लायर लायबिलिटी का आपने वैल्यूएशन किया इन रिलेशन टू सच सप्लायर बीइंग इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, तो ये चीज केस में आपके बताता है। तो वहां आपको 180 डेज के अंदर आपने पेमेंट नहीं करना है। अंडर सिचुएशन given in point B and C, the value of supply is deemed to have been paid. तो आपके deemed मान ली जाती है, deemed have to be paid, उसको consider कर लिया जाता है। तो ये हमारे इस केस में बता रहा है। I think ये आप clear हो गया कि आपको वही चीज है एक तरह से mainly कि 180 दिन के अंदर आपको payment करना है value of supply का along with interest, नहीं किया तो जो interest आपने pay कर रखा था उसको उसी जैसे 180 days complete होंगे उस month की GSTR 3B में उस अमाउंट को रिवर्सल करते हुए आपको पेमेंट करने के लिए बताता है। अब इसमें अपन लेके चलते हैं बैंकिंग कंपनीज के लिए प्रोविजन आया था, याद होगा आपको। बैंकिंग कंपनी के लिए मैंने कहा कि बैंकिंग कंपनी के पास होता है कि वो प्रोपोर्शनल आईटीसी बुक कर ले या फिर अपनी फ्लैट 50% आईटीसी को बुक कर ले, बाकी बची 50% क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, बाकी की बची 50% क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग ये अमेंडमेंट है, इन्होंने दिया क्या है 50% ऑफ इनएडमिसिबल आईटीसी टू बी रिवर्स इन जीएसटीआर 3B बाय ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी को जो एडमिसिबल आईटीसी को तो क्या करना है, बुक करना है, लेकिन 50% जो इनएडमिसिबल आईटीसी है ना उसको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, किसके थ्रू, जीएसटीआर 3B के थ्रू रिवर्स करना होगा बाय ए बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये उन्होंने उसको बताया कि आपको जीएसटीआर 3B के साथ उसको रिवर्सल भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 50% मैंने कहा लैप्स हो जाएगी, लैप्स होने के साथ उसको रिवर्सल भी दिखानी होगी, ये कहा गया। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 रूल 38 प्रोवाइडिंग क्लेमिंग ऑफ क्रेडिट बाय ए बैंकिंग कंपनी ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज बीन अमेंड द रिमूव द रेफरेंस फ्रॉम जीएसटीआर 2 रिमूव कर दिया, देयर फ्रॉम द फर्दर क्लॉज डी ऑफ रूल 38 हैज बीन ऑड Omitted, तो वो omitted की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा गया कि आपको यहां पर बैंकिंग कंपनी को 50% आईटीसी बुक करनी है, बाकी 50% तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो अमेंडमेंट रूल ए बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंगेज इन सप्लाइंग ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और एक्सटेंडिंग द लोन, यानी बैंक का काम क्या होता है, लोगों की डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, यदि आप एफडी वगैरह कराने जा रहे हो बैंक में तो वो एफडी वगैरह जमा करना, तो एफडी वगैरह लेगी या आपको लोन देना, बैंक का मेन क्या है, आपको काम लोन देना, एक्सटेंडिंग लोन एंड एडवांसेस दैट चूज नॉट टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस वन अकॉर्डिंग विद द ऑप्शन परमिटेड अंडर दिस सेक्शन, ये आपके बता रहा है, द सेड कंपनी और इंस्टीट्यूशन नॉट अवेल द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड इन इनपुट सर्विस दैट आर यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉन बिजनेस पर्पस से यूज कर रहे हैं तो आपने इनपुट एंड इनपुट सर्विस पे आपने टैक्स पे किया है नॉन बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस तो आईटीसी कैसे मिल जाएगा भाई, नॉन बिजनेस पर्पस। टैक्स एट्रिब्यूटेबल टू सप्लाई स्पेसिफाइड इन आपके ब्लॉक रेट में है, ब्लॉक रेट ही है 17.5 ब्लॉक रेट। द सैड कंपनी इंस्टीट्यूशन शैल अवेल द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन द इनपुट एंड इनपुट सर्विस रेफर टू इन सेकंड प्रोविजन ऑफ सब सेकंड दिस वन नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज दिस वन 50% रिमेनिंग
अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स शैल बी इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल टू द कंपनी और इंस्टीट्यूशन एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस रिवर्स इन GST R 3B। तो मेन चीज है रिवर्स करना पड़ेगा, यानी 50% ही एडमिसिबल का लेना है और 50% आपको रिवर्स करना है GST R 3B के साथ। ये हटा देता है अमाउंट रेफर टू बी इन क्लॉज बी एंड सी शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, 42, 43 क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर द सेड कंपनी ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो अब आपको सीधी से आपको 50% लेना है और 50% इन एडमिसिबल जो आपके ITCR है उसको GST R 3B के साथ रिवर्स करना पड़ेगा, और उसको GST R 3B के साथ उसको आपको रिवर्स करने की बात को बता देता है। तो GST R 3B के साथ उसको रिवर्स करना होगा, यानी 50% आपको ITC लेना है और 50% उसका ITC को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो ये सीधी सी बात है, बैंकिंग कंपनी वगैरह है। एडमिसिबल ITC और फिर 50% किसका है, ये साफ लिखा है इन एडमिसिबल ITC। और इसको रिवर्स करना होगा, GST R 3B के साथ, और रिवर्स कर देना है इसको किसके साथ, GST R 3B के साथ आपको 50% जो इनएडमिसिबल ITC है उसको रिवर्स करने की बात को बता रहा है। तो ज्यादा नहीं, छोटा सा अमेंडमेंट है, काफी तो आपने पढ़ा हुआ है, वही चीज है, इसमें ज्यादा कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं है। अब ये तो आपके ITC के चैप्टर के हो गए अमेंडमेंट, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर, कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन चैप्टर में है। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी आपके मैंने बताया था कि हायर थ्रेशोल्ड लिमिट किन किन को नहीं मिलेगी, तो ये कह रहा है कि एनहेंस थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख, एनहेंस जो लिमिट है 40 लाख, रजिस्ट्रेशन अवेलमेंट टू द पर्सन एक्सप्रेशन एंगेज इन मेकिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट एप्लीकेबल टू सप्लाई ऑफ द फ्लाइंग आस्क ब्रिक्स ब्लॉक बिल्डिंग ब्रिक्स फॉर फॉसिल मिल एंड अर्थन एंड फ्लोरिंग टाइल्स। तो इनको हायर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलेगी। आपको पता है पहले अपन बात करते थे इनको भी हायर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलती, मैंने क्लास में बता रखा है, यानी ये गुड्स हैं लेकिन इन गुड्स के लिए हायर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख या 10 लाख ही वर्क करेगी, 20 लाख या 10 लाख ही वर्क करेगी, हायर थ्रेशोल्ड लिमिट वर्क नहीं करेगी। जिसमें इनका आइसक्रीम है, अदर एडिबल ऑयल है, वेदर नॉट कंटेनिंग कुक, पान मसाला, ऑल गुड्स तंबाकू मैन्युफैक्चर, तंबाकू सब्स्टिट्यूट, एक्रेडिटेड वाटर्स, तो उनको हायर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलेगी। कहां तक मिलेगी, मैक्सिमम 20 लाख, मैक्सिमम 20 लाख, 20 और 10 लाख की लिमिट रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगी, 20 लाख या फिर 10 लाख फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट। और दे कैन नॉट ऑप्ट कंबोइन स्कीम, ये कंबोइन स्कीम नहीं ले सकते, कंपोजिशन स्कीम, और ये कंपोजिशन स्कीम भी नहीं ले सकते अपने, ये रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट है। तो हायर 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, इनको कितनी मिलेगी, यहां पर 20 लाख या 10 लाख की ही लिमिट मिलेगी। तो इसमें ये मैंने कहा नए पॉइंट जोड़े, 1 अप्रैल 2022 से अपन बात कर रहे हैं, आप ध्यान में रखोगे, फ्लाइंग आस्क ब्रिक्स, फ्लाइंग आस्क आपके एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाइंग आस कंटेंट, फ्लाइंग आस ब्लॉक्स, फिर इसके बाद करा ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल, सिमिलर सॉलिड अर्थ बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग मिल टाइल्स, दस द मैन्युफैक्चर ऑफ द अबव मेंशन गुड्स हैव बिकम इन एलिजिबल टू अपट द कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1) and 10(2). मैंने कहा कंपोजिशन लेवी में भी नहीं फॉल करेंगे, कंपोजिशन लेवी भी नहीं मिलेगी, और हायर थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख की नहीं मिलेगी, यानी जो 40 लाख की हायर थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो इनको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी 40 लाख की हायर थ्रेशोल्ड लिमिट इनको नहीं मिलेगी। तो ये इन्होंने यहां पर कंसेप्ट आपके दे रखा है, आई थिंक आपको अच्छे कवर हो गया होगा। ये मैंने आपको वहां पर भी करा रखा है, जो कि आपने देखा होगा कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर था, चैप्टर 3, वहां पर भी मैंने ये आपको क्राइटेरिया कराया था। तो ये मैंने आपको क्राइटेरिया वहां पर कराया गया था।
तो आई थिंक ये अच्छे से क्लियर आपको हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं इसमें थोड़ा सा और छोटी छोटी चीज देखते हैं। अब देखो इसमें आता है नेक्स्ट अपने रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन लाइबल टू बी कैंसिल की कुछ केसेस हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन आपके क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा कैंसिल कराने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन लाइबल टू बी कैंसिल यानी कुछ ऐसे केस है जिसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिया गया है वो आपके कैंसिल हो जाएगा। मैंने आप क्लास में करा रखा है। एक कंपोजिशन टैक्स पेयर, आपको पता है कंपोजिशन टैक्स पेयर के और एक रिटर्न फाइल करता है, रिटर्न 30 अप्रैल को। तो अपन बात करते थे कि वो पूरे साल भर के एक रिटर्न फाइल कर रहा था GST R4, लेकिन चालान वो आपके क्वार्टरली फाइल करता है। तो ये कह रहा है फेल टू फर्निश रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड द 3 months, 3 महीने से ज्यादा यदि रिटर्न फाइल करने में डिले किया, रिटर्न फाइल करने में 3 महीने से ज्यादा का डिले किया, तो वो आपके यहां पर अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने के लिए लायबल हो जाएगा। फ्रॉम द ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है उससे 3 महीने से ज्यादा आपके डिले कर रहा है, तो कंपोजिशन वाले की रिटर्न को आपके क्या है, लाइसेंस को हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। सेकंड, पर्सन अदर देन कंपोजिशन टैक्स पेयर फेल टू फर्निश रिटर्न फॉर सच कंटिन्यूस टैक्स पेयर एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो भी आपके प्रेस्क्राइब कर रखा है सेक्शन 29(2) के साथ जो अपन ने देखा था, तो उसके साथ देखने के लिए बताता है वो क्या है। देखो अपन बात करते हैं, तो 29(2) के साथ बात करते हैं, With effect from 1st October 2022. अब new provision देख लेते हैं। पहले क्या था, अब क्या है, देखो proper officer PO may cancel the registration, ये old है, may cancel the registration of a person from such date including the retrospective date as he may deemed fit, जो उसको सही लग रही है, where person paying tax under section 10 has not furnishing return 3 consecutive tax period, जो भी उसका tax period था उससे था। अब उन्होंने यहां क्या कर दिया, सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम की बात हो रही है, तो कह रहा है ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निशिंग रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड द 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड रिटर्न, जो ड्यू डेट है उसको फर्निश करने की डेट से आपको बता रहा है। तो यह कह रहा है 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड रिटर्न, तो कंपोजिशन स्कीम के लिए आ रहा है। अंडर सेक्शन 10 में आता है तो कब करेगा, 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, तो सैड रिटर्न जो ड्यू डेट थी उसके अंदर फाइल नहीं कर रहा 3 महीने तक, तो आप रिटर्न है आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। A registered person other than a person specified in clause B, इसको छोड़ दें, कंपोजिशन स्कीम के अलावा है, has not furnishing return for a continuous period of 6 months, जो कि अब उन्होंने कहा गया किस तरह से करना है। Any registered person other than a person specified in clause B, यानी कंपोजिशन टैक्स पेयर के अलावा, has not furnishing return such continuous tax period as may be prescribed, जो भी आपके लॉ में प्रेस्क्राइब कर रखा है उसके साथ उन्होंने बताया गया, उनके अलावा जो भी लॉ में प्रेस्क्राइब कर रखा है उनके लिए बता रहा है। अब इसी तरह से आप कहते हैं डिम्ड रिवोकेशन, जब आपके अपन बात करते हैं कि डिम्ड रिवोकेशन की बात करें, तो रिवोकेशन के अंदर मैंने कहा था कि आपका लाइसेंस प्रॉपर हो, रजिस्ट्रेशन आपके प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया, अब आप रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हो, सर गलती हो गई, तो पहले प्रॉपर ऑफिसर के पास लगाते थे, फिर मैंने कहा आप यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर वगैरह के पास लगाते थे, फिर कमिश्नर के पास लगाते थे, तो वही चीज इसमें बता रहा है, डिम्ड रिवोकेशन अपने आप हो जाएगा, डिम्ड रिवोकेशन हो जाएगा ऑफ सस्पेंड GST रजिस्ट्रेशन अपॉन फर्निशिंग ऑफ ऑल पेंडिंग रिटर्न बाय द टैक्स पेयर, यानी जैसे अब अपने आप डिम्ड रजिस्ट्रेशन आपका एक्टिव हो जाएगा यदि जो भी आपकी पेंडिंग, क्योंकि रिटर्न नहीं फाइल करने की वजह से तो उसने क्या किया था, यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया था, तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही आप अपनी जितनी भी ऑल पेंडिंग रिटर्न लगाओगे आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज इसमें बताता है, एज सीन अबव द प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसिल
रजिस्ट्रेशन इन केस वन. कंपोजिशन टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निशिंग रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड द 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेट रिटर्न. और जो कंटिन्यूस आपके अदर देन कंपोजिशन टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. अमेंडेड रूल है दिस वन. The suspension of registration under subsection 1 and 2 sub-rule shall deemed to be revoked upon the completion of the proceeding by the proper officer under rule 22. Revocation shall be effective from the date on which suspension has come into effect. Suspension of registration under this rule may be revoked by the proper officer any time during the pendency of the proceeding for the cancellation if he deemed fit. Yani jo bhi uski pending return hai wo jama kara do, aapke revocation ho jayega. Where the registration has been suspended under rule 21A 2A, contravention of the provision contained in clause B, clause C, section 29(2), and the registration has not already been cancelled by the proper officer under rule 22, the suspension of the registration shall be deemed to be revoked upon furnishing the all pending return. यानी जैसे वो pending return furnished करेगा तो वैसे ही furnishing of all pending return, जैसे ही वो furnished करेगा वो आपके क्या हो जाएगा, furnishing of all पेंडिंग रिटर्न फाइल करेगा तो वो अपने आप क्या जाएगा, डिम्ड रिवोकेशन हो जाएगा जो उसने सस्पेंड किया था जीएसटी नंबर. और जैसे ही वो पेंडिंग जितनी भी रिटर्न है तो रिटर्न फाइल करने के लिए उसको जितनी भी टैक्स है, इंटरेस्ट है, वो प्रॉपर उसको जमा कराना होगा. तो जैसे ही टैक्स इंटरेस्ट वो जमा करा देगा तो वो डिम्ड रिवोकेशन में आपके आ जाएगा. ये हमारे इस किस में बताता है. अब आता है रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल if monthly return filer fail to file return continuous for 6 months. 6 महीने से लगातार return file नहीं किया, जिसने कि continuous return filer है, continuous नहीं monthly return filer है, जो भी monthly return filer है उसने continuous 6 महीने से कोई return file नहीं की है. और a person opting QRMP scheme fail to file return two tax period यानी QRMP quarter return file कर रहा है तो ultimate एक quarter में 3 महीने होते हैं तो 2 quarter में 6 महीने हो गए, तो यानी 2 tax period बात एक ही तरह से हो गई. तो ये तो कंटिन्यूस 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं कर रहा. और जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ली है वो कंटिन्यूस आपके 2 tax period की रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, लायबल टू बी कैंसिल हो जाएगा. विद इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2022, टू और मोर कॉन्ट्रोवर्शन हैज बीन प्रेस्क्राइब बाय इंसर्टिंग क्लॉज दिस वन. बीइंग ए रजिस्टर्ड पर्सन required to file return under section 39(1) for each month or part thereof, monthly return filer has not furnishing the return for a continuous period of 6 months. यानी continuous में 6 महीने की return file नहीं की है. और जो composite scheme वाला है, QRMP scheme वाला है, जो आपके preceding financial का turnover 5 crore या उससे कम है तो QRMP scheme ले सकता है, तो उसने 2 tax period की return file नहीं है. Being a registered person required to file return proviso of section this one each quarter or part thereof quarterly return filer not furnished return for a continuous period of tax 2 tax period yani 2 tax period ki usne continuous return file nahi ki hai to wo is case mein consider karne ke liye batata hai. To wo is case mein consider karne ke liye aapke batata hai. To I think aapko ye acche se clear ho gaya hoga. तो बड़ा ये छोटी छोटी से अमेंडमेंट आपके यहाँ पर इन्होंने देखे. तो अपन ने अभी जो 2 chapter में स्टेचुरी अपडेट आया है वो अपन ने देखें, और मैंने कहा ये छोटे छोटे स्टेचुरी अपडेट है, ज़्यादा नहीं है. आपको बहुत अच्छे से इनको ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कहा जीएसटी के अंदर एक ITC का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और रजिस्ट्रेशन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने वैसे बताया है. तो इनको अच्छे से देखना है. और मैंने कहा कि एग्जम्पशन के चैप्टर में जो ये अभी नए एग्जम्पशंस को इंट्रोड्यूस किया है, विड्रॉ किया है, इन पर फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जो स्टेचुरी अपडेट होता है ना उन्हीं के साथ आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए बताता है. तो आपके इजीली जब आप स्टेचुरी अपडेट कर लोगे ना, तो मैंने ये आपको PDF बना रखा है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप अच्छे से इसको तैयारी कर लेना, बहुत अच्छे से आपको इसको कवर कर लेना.
तो आपको अच्छे से ये क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपको क्या है कि पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग वे में पूरा का पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो ये चीज इस केस में बता रहा है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। कल मैं इससे आगे के आपके स्टेचुरी अपडेट को अपन कंसिडर करेंगे, जो आपके चैप्टर 8 में 9 में 10 में है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ये मैंने जितने भी स्टेचुरी अपडेट आए हैं आपके जो सी इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट अभी के लिए यहाँ पर यहीं तक अपन कंसिडर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।